नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किसानों को पत्रक बा का वितरण किया। बता दें कि केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार किसान बिल के संदर्भ में पत्र बांटे गए। वहीं स्थानीय सब्जी मंडी में ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को कृषि बिल के बारे में जानकारी दी और उनसे चर्चा की गई। पत्रक में किसानों को आश्वासन दिया गया, वहीं एमएसपी के बारे में सरकार लिखित आश्वासन देने को तैयार है। एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। किसी भी प्रकार के विवाद में समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी रहेगा। वहीं विधायक ने कांग्रेस और विरोधी दलों पर गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। किसान भाइयों और बहनों के लिए हित में जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो उनकी आय को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव पास किया है, उस प्रस्ताव के समर्थन में किसान भाइयों को हम पत्रक बांट रहे हैं कि वो कांग्रेस और विपक्षी दलों के भ्रम में ना आए, वो अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। देश 50 साल तक कांग्रेस ने राज किया, किसानों के हित में कभी कोई कानून नहीं बनाया। आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कानून बनाया है, उस कानून में किसान अपनी फसल को कहीं भी बेच सकता है जहाँ उनको अच्छी और वो मंडी में भी मंडियां कोई बंद नहीं की जा रही है, वो भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है। यदि आप अपने खेती किसी कॉन्ट्रैक्टर को देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं और चाहे तो अपने आप वो निरस्त भी कर सकते हैं। तो किसान की आय को बढ़ाने के लिए पहली बार एक किसानों के समर्थन में जो कानून बना है उसकी सत्यता को बताने के लिए हम लोग ये पत्रक बांटने का काम